नमस्कार दोस्तों, आज हम सेक्शन 43BH को डिटेल में समझेंगे, जिसमें कि यदि एमएसएमई क्रेडिटर्स को 15 या 45 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको उस अमाउंट पर भी इनकम टैक्स पे करना होगा। और साथ ही इस रूल से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है, हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सेक्शन 43BH क्या है? देख, सेक्शन 43BH में ये बताया गया है कि यदि आपने माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस से माल खरीदा है या सर्विसेज ली है तो आपको एक टाइम लिमिट दी गई है। उस टाइम लिमिट के अंतर्गत आपको पेमेंट करना होगा उनका, और यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर जिस साल आपने पेमेंट नहीं किया उस साल आपको इसकी छूट ना मिलकर जिस साल आप पेमेंट करेंगे उस साल आपको इसकी एक्सपेंसेस की छूट मिलेगी। इसको हम डिटेल में समझते हैं, पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सेल से आपकी, मान लीजिए कि आपकी सेल से 20 करोड़ की, परचेज से 10 करोड़ की, एक्सपेंसेस हो गए 2 करोड़ के, अब नेट प्रॉफिट है आपका 8 करोड़ का, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोविजन क्या था कि अभी तक आपको यह था कि इनकम टैक्स आपको 8 करोड़ नेट प्रॉफिट पे, अगर आपको ऊपर 30% की टैक्स रेट लागू होती है तो 8 करोड़ का 30% मतलब 2.4 करोड़ आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। लेकिन अब इस रूल के आने के बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपने, आपको जो टाइम दिया गया है 15 डेज या 45 डेज, उसके दौरान आपने अपने जो आपके परचेस है 10 करोड़ की, ये क्रेडिटर्स भी थे आपके पास, क्रेडिटर्स है, तो उस परचेस में से आपने 2 करोड़ की क्या करे, 2 करोड़ क्रेडिटर्स का पेमेंट आपने टाइम जो दिया गया था आपको 15 डेज 45 डेज उसमें आपने पेमेंट नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा कि जब आप इनकम टैक्स पे करेंगे ना तब आपको नेट प्रॉफिट तो 8 करोड़ ही रहेगा, लेकिन इसमें जो आपके एक्सपेंसेस से 2 करोड़, पहले परचेस पूरी पूरी आपको छूट मिल गई थी, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 2 करोड़ के आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया थे, 2 करोड़ हम ऐड कर देंगे, तो अब क्या होगा, 8 + 2 = 10 करोड़ आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और इस 10 करोड़ पे 30% मतलब 3 करोड़ रुपीज आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो 2 करोड़ हमने ऐड करे इसकी हमको छूट नहीं मिलेगी, आपको 2 करोड़ की छूट कब मिलेगी, जिस साल आप एक्चुअल में इसका पेमेंट कर देंगे उस साल आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा, आपका फंड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे जाके हम आप डिटेल में टाइम वगैरह सब समझते हैं। अब हम समझते हैं कि कब से एप्लीकेबल है, टाइमलाइन क्या है। देखिए, सेक्शन 43BH जो है वो एप्लीकेबल है आपकी एक असेसमेंट ईयर 24-25 से। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 के लिए जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए, चाहे परचेस हो या एक्सपेंसेस हो, तो उनके ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी। और लेकिन यह ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 से जितने भी ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो 1 अप्रैल 23 के दिन अगर कोई ओपनिंग बैलेंस था, जैसे जो 31 मार्च 23 का बैलेंस अगर होगा आपका क्रेडिटर्स का, तो उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। ड्यू डेट्स की बात करें कि आपके पेमेंट्स की क्या ड्यू डेट्स है, कब आपको पेमेंट करना है, तो यदि आपके और आपने जिससे माल खरीदा है, आप सेलर और बायर के बीच में यदि कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आपको विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना होगा। और मान लीजिए कि आपके सेलर और बायर के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है तो फिर आपको विद इन 45 डेज पेमेंट करना होगा। हाँ, यदि यहाँ पर भी ध्यान रखें, एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में मान लीजिए कि 30 डेज दिया हुआ है तो आपको 30 या 45 डेज, दोनों में से जो भी कम हो उस पे आपको, वो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मतलब यदि रिटर्न एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज, या तो जो एग्रीमेंट हुआ है वो वाली डेट या 45 डेज, दोनों में से जो कम होगी तब तक आपको पेमेंट करना है, वो आपकी ड्यू डेट है। एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आपकी 15 डेज आपकी ड्यू डेट हो जाती है, 15 डेज में आपको पेमेंट करना होता है। ये जो रूल है वो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस पे लागू होता है। इसका मतलब ये है कि आपने जिससे माल खरीदा या सर्विसेज ली है वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस होना चाहिए। देखिए, ये जो रूल है पूरी तरह से बायर के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो माल खरीदता है या सर्विसेज लेता है। ये केवल गुड्स के ऊपर ही नहीं है, सर्विसेज के ऊपर भी लागू होता है। आपने जैसे मान ली ऑडिट फी है, आपकी बैलेंस शीट में आप देखेंगे ऑडिट फी भी है, फ्रेट भी है, रेंट भी पेड किया आपने, तो ये सब क्या है, जो जो भी आपके एक्सपेंसेस है उन सबके ऊपर लागू होता है। यदि जो आपने जो सर्विसेज ली है, माल परचेस किया, वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज होने चाहिए तो ये रूल एप्लीकेबल होगा।
तो आपके आपने जिससे लिया है वो माइक्रो इंटरप्राइजेज स्मॉल होना चाहिए, यदि वो मीडियम इंटरप्राइजेस है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। माइक्रो इंटरप्राइजेस का मतलब है कि जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो, वो माइक्रो इंटरप्राइजेस होता है। स्मॉल इंटरप्राइजेस जहां पर कि प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा न हो और टर्नओवर जिसका 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा न हो, वो स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाती है। तो रूल किस पे लागू होगा? माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से माल खरीदने के ऊपर। अच्छा, रूल पूरी के पूरी तरह से बायर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब देखिए, यदि आप पेमेंट जो है आपको टाइम लिमिट दिया गया कि आपको 45 या 15 डेज में पेमेंट करना है, नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखिए, आपको यदि पेमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट आपको देना होता है 3 times द बैंक रेट नोटिफाइड बाय द RBI टू बी पेड टू द सप्लायर। जो बैंक रेट है ना, उसका 3 गुना आपको इंटरेस्ट पे करना होगा उस अमाउंट के ऊपर। इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो भी आपको एक्सपेंसेस के रूप में डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब इसका भी आपको एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और आउटस्टैंडिंग जो है 31 मार्च पे, इफ पेमेंट इज नॉट मेड इन द टाइम लिमिट मेंशन अबव, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 43BH इन दैट ईयर। इसको ही मतलब है कि देखिए, यदि आपने पेमेंट नहीं किया टाइम पे तो क्या होगा कि आपने एक तो टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं किया, साथ ही यदि आपने 31 मार्च तक भी पेमेंट नहीं कर पाए आप, इसमें दो चीज़ें मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी। अगर आपका जैसे कि ड्यू डेट आपकी 15 मार्च ही हो रही थी, तो आपने चलिए 15 मार्च तक आपने पेमेंट किया, इसका 15 अप्रैल ड्यू डेट थी आपकी, 15 मार्च पे आपको पेमेंट करना था, आपने 15 अप्रैल पे पेमेंट किया, तो 31 मार्च पे आप पेमेंट नहीं कर पाए तो 31 मार्च पे देखा जाएगा। अगर 31 मार्च तक भी आप कर देते, ड्यू डेट भले ही 15 मार्च थी लेकिन 31 मार्च तक आप कर देते तो आपको 31 मार्च पे कर दिया तो आपको इसकी छूट मिल जाती है इस एक्सपेंसेस की। लेकिन आपने कब किया? 15 अप्रैल को किया, तो आपको इसकी छूट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब इसकी छूट अगर आपने 15 अप्रैल पे किया तो आपको नेक्स्ट ईयर में इसकी छूट मिलेगी। ठीक है, अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के ट्रांजेक्शन से, और हमने माना है कि इसके ऊपर 45 डेज टाइम लिमिट लागू हो रही है, मतलब आपने आपके बीच में एग्रीमेंट है तो 45 डेज की टाइम लिमिट लागू हो रही है। तो देखिए, डेट ऑफ इनवाइस क्या है? 15 मार्च 2024 है। तो अब आपकी ड्यू डेट क्या हो रही थी? इससे 15 मार्च से लेके 45 डेज में आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये ईयर कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो ये अलाउ अपना असेसमेंट ईयर इसके लिए क्या बनेगा? 24-25। तो अब इसमें आप देखिए, डेट ऑफ इनवाइस था 15 मार्च 24, तो इस इनवाइस का पेमेंट आपको कब करना था? 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना था। 45 दिन मतलब कि आपको 30 अप्रैल तक पेमेंट करना था। अब आपने पेमेंट कब कर दिया? 15 अप्रैल पे ही आपने पेमेंट कर दिया। आपको देखिए, यहाँ पर 31 मार्च के बाद पेमेंट किया है, भले ही आपने 31 मार्च के बाद पेमेंट किया है लेकिन आपकी पेमेंट कब कर दिया आपने? विद इन अ टाइम लिमिट कर दिया, 45 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया 15 अप्रैल 2024 को, तो आपको ये 23-24 के एक्सपेंसेस के रूप में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते 1 मार्च 2024 का इनवाइस है, तो इसके ड्यू डेट क्या बनेगी? 15 अप्रैल तक बनेगी। लेकिन आपने पेमेंट कब किया? 30 जून को आपने पेमेंट किया है, 30 जून 2024 को पेमेंट किया है। तो अब आपको ये इस 23-24 बिल कब का है? 23-24 का। 23-24 पे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपके डिसअलाउड हो जाएंगे जितनी भी अमाउंट होगी। मान लो 10 लाख की अमाउंट है ना, तो 10 लाख आपके 23-24 में डिसअलाउड हो जाएंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये इसकी छूट कब मिलेगी? 24-25 में, जब आप पेमेंट करेंगे। आपने पेमेंट कब किया? 24-25 में, तो आपको 24-25 के एक्सपेंसेस के रूप में इसको छूट मिलेगी, मतलब 1 साल तक आपका जो है फंड ब्लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं 31 मार्च 2024 का कोई इनवाइस है तो इसकी ड्यू डेट क्या बन रही है आपकी? 45 दिन के हिसाब से क्या बनेगी ये? 15 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आपने 14 मई को ही पेमेंट कर दिया, आपने विद इन टाइम पेमेंट कर दिया है, तो आपको ये 23-24 में ही छूट हो जाएगी। कुल मिला के भले ही आपका ड्यू डेट अप्रैल में आ रही हो, लेकिन यदि आपने विद इन ड्यू डेट आपने पेमेंट कर दिया 45 दिन या 15 दिन, 15-45 के दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, तो आपको उसी साल के एक्सपेंसेस के रूप में छूट मिल जाएगी। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने
आपने विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं किया है तो आपको वो डिसअलाउड हो जाएंगे। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपका जो था, मान लो कि नवंबर का आपका बिल था, 1 नवंबर का बिल था, तो अब 45 दिन आपके कब होंगे, नवंबर और 15 दिसंबर तक आपको पेमेंट, 15 दिसंबर 2023 तक आपको पेमेंट करना था। अब आपने 15 दिसंबर 2023 तक पेमेंट ना करके उसका पेमेंट किया आपने 31 मार्च 2024 पे, मतलब आपने ड्यू डेट के बाद किया, लेकिन विद इन आपके जो क्लोजिंग जो लास्ट डेट है ईयर की, उससे पहले कर दिया आपने, 23-24 ईयर है, आपने 31 मार्च 2024 के पहले आपने पेमेंट कर दिया, तो भले ही आपने जो आपको 15 दिसंबर पे करना था वो आपने 31 मार्च 2024 पे पेमेंट किया, तो भी आपको 23-24 के एक्सपेंसेस के रूप में छूट मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसी साल आपने पेमेंट कर दिया। क्योंकि देखिए एक रूल क्या है विद इन टाइम, और एक दूसरा रूल है कि जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल छूट मिलेगी, तो आपने 23-24 में पेमेंट कर दिया, भले ही आपने लेट किया, तो लेट किया तो आपको क्या करा, 3 गुना आपको ब्याज तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्सपेंसेस के रूप में उसकी छूट 23-24 में ही मिल जाएगी, आपको अगले साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 रूल हो रहे हैं, एक तो ये कि विद इन टाइम लिमिट करें, दूसरा ये कि जिस साल आप करेंगे उस साल आपको छूट मिल जाएगी। ठीक, अब इसके इससे रिलेटेड कुछ FAQ भी हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए ये जो रूल होता है वो आप कोई गुड्स परचेज करते हैं या सर्विसेज लेते हैं उन सभी के ऊपर ये प्रोविजन लागू होता है, लेकिन ये गुड्स और सर्विसेज किससे लिए हो आपने, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से। अच्छा, ये बिजनेस एक्सपेंसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि आप सीधी सी बात है आप अपना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, उसमें आपकी परचेस आ रही है, प्रोफेशनल फीस है, रेंट है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यदि आपने ये किससे लिए हैं, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से। मतलब कि यदि आपने मान लो प्रोफेशनल फी का पेमेंट भी नहीं टाइम पे किया, तो प्रोफेशनल फी भी डिसअलाउड हो जाएगी, वो आपकी कब अलाउड होगी, जिस साल आप पेमेंट करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस पे लागू होगा, जैसा मैंने बार बार आपको बताया, इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर ये एप्लीकेबल रूल नहीं होगा। अच्छा, दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ऑन पेमेंट टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर विच इज MSME, जो MSME है उनके ऊपर क्या है, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर से हमने कोई सर्विसेज ली है, माल खरीदा तो लागू होगा, एंड वो रजिस्टर्ड हो किसके रूप में, माइक्रो स्मॉल कैटेगरी के अंतर्गत। दिस प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू द कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर्स नॉन एज ट्रेडर्स, यदि कोई ट्रेडर्स से आपने माल लिया है तो ट्रेडर्स के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा आप कि यदि ट्रेडर्स से आपने लिया है तो वो जो आपका ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज इम्पोर्टेंट हियर दैट ओनली थ्रू MSME सर्टिफिकेट यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ क्रेडिटर्स। देखिए यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जिससे माल खरीदा कि वो MSME है, माइक्रो स्मॉल है या नहीं है, तो किससे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको उस कंपनी आपके जो क्रेडिटर्स हैं उससे आपको MSME सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा उस सर्टिफिकेट से कि आप वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, माइक्रो है या स्मॉल कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आप सर्टिफिकेट की जगह यदि आपको डिक्लेरेशन भी दे देते हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं उसको MSME, अगर उनके डिक्लेरेशन के बेस पे भी आप उनको माइक्रो या स्मॉल समझ सकते हैं, वो भी जो भी वो डिक्लेरेशन देंगे उससे आप मान लेंगे कि वो माइक्रो या स्मॉल कैटेगरी है। हालांकि इसमें क्लैरिटी नहीं है कि सर्टिफिकेट ही से ही हमको समझना है या फिर हम डिक्लेरेशन भी ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा तो यही होगा कि आप उनसे MSME सर्टिफिकेट ले लें। अच्छा, ये प्रोविजन जो है सभी कैटेगरी पे लागू होता है, मतलब बायर के, जैसे मैंने बताया जिससे माल खरीद रहे हैं ना आप, जिससे माल खरीद रहे हैं वो तो आपका माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस होना चाहिए, लेकिन हम बात यहाँ पे किसके ऊपर एप्लीकेबल है, बायर के ऊपर, जो माल खरीदता है उसके ऊपर, तो जो माल खरीद रहा है सर्विसेज ले रहा है ना वो कोई सी भी कैटेगरी का हो सकता है, हम चाहे प्रोप्राइटरशिप हो हमारी, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, फर्म हो, सबके ऊपर ये AOP BOI सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यदि आप अपना रिटर्न प्रिजेम्प्टिव बेसिस सेक्शन 44AD, AD या AE में फाइल करते हैं तो फिर आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ड्यू डेट अब काउंट फ्रॉम द एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए जो 15 दिन और 45 दिन बताए हैं ना, तो वो इनवाइस डेट से वो जरूरी नहीं है, इसकी एक्चुअल डेट वो मानेंगे हम जिस दिन आपको एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स हुई है, सर्विसेज मिली है,
मतलब मान लीजिए कि इनवाइस आपका 15 तारीख का है, लेकिन आपको गुड्स कब मिला है? 18 तारीख को, 18 मार्च को मिला है। तो अब हम 18 मार्च को ही क्या मानेंगे इसकी, 18 मार्च से इसके 15 और 45 डेज काउंट करेंगे। ऐसी सर्विसेज भी, जिस दिन आपको सर्विसेज मिलती है उस दिन से एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज से ही आप ड्यू डेट काउंट करेंगे। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इन द गुड्स, देखिए इससे गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड कोई विवाद है, तो ऐसी स्थिति में आप 15 डेज के अंदर क्या करें, अपना ऑब्जेक्शन रेस करेंगे। और आपकी जो ड्यू डेट है वो कहाँ से काउंट होगी, जो आपका ऑब्जेक्शन जो है क्लियरिटी आ जाती है, उसमें क्लियर हो जाता है, उस दिन से आपकी ड्यू डेट काउंट होगी। दिस रूल नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का हम पेमेंट करते हैं, वो भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो उसके ऊपर और सैलरी पेमेंट के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अब बात आती है जीएसटी के, तो देखिए जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं वो उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होगा। तो जीएसटी इंक्लूड होगा तो आपको क्या करना है, जीएसटी के अमाउंट आपकी डिसअलाउड नहीं होगी, आपके सिर्फ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी को छोड़कर जो अमाउंट है वो अमाउंट हम डिसअलाउड करते हैं, पूरी पे पूरे विद जीएसटी आपकी अमाउंट जो है डिसअलाउड नहीं होगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने है कि यदि बायर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता है, बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है तब तो जीएसटी को हम डिसअलाउड नहीं कर सकते, लेकिन यदि बायर कहता है कि नहीं हम तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते हैं, वो पूरा के पूरा जीएसटी अमाउंट क्या करता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर के रूप में बुक करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको जो डिडक्शन है वो किसके हिसाब से, वो अब इस रूल के हिसाब से इस, फिर अगर वो पूरा के पूरा पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंडिचर के रूप में ले जा रहा है तो फिर उसके उस जीएसटी अमाउंट पर भी ये रूल एप्लीकेबल होगा, वो जो पेमेंट बेसिस पर ही उसकी छूट आपको मिलेगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।